राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है और यहां सभी प्रमुख दल अपने अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी पोखरण विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे गंगापुर विधानसभा सीट के बारे में। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में, यहाँ लगभग 2,67,303 मतदाता है जो प्रत्याशी की हार जीत तय करेंगे। इस बार मैदान में कांग्रेस ने रमेश मीणा को उतारा है, तो वही बीजेपी की ओर से मानसिंह गुर्जर मैदान में उतरे हैं। अब बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें, ये सीट सामान्य वर्ग सीट है, मतलब ये सीट अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में नहीं आती है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस सीट पर लगभग 2,37,329 मतदाता थे, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार रामकेश को 58,744 वोटों से विधायक बना दिया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार मानसिंह गुर्जर के खाते में सिर्फ 48,678 वोट आए थे और उन्हें 10,067 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। गंगापुर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर साल 1972 से लेकर अब तक 11 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 बार जीत और बीजेपी को 2 बार जीत मिली है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 1 बार और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 बार जीत मिली है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।